बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन, गुड एंड सेफ एट योर होम्स। आज हमने करने हैं चैप्टर 4 के टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के शॉर्ट डिस्टेंसेस। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नंबरिंग आगे पीछे हुई है, लेकिन आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई डोर हैंडल्स आर नॉट पुट नियर द हिंज। हमारे पास ये क्वेश्चन आपके टॉर्क वाले टॉपिक से लिया हुआ है, वहाँ पे हमने ये डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन है कि हमारे पास डोर हैंडल जो होते हैं वो पीछे हिंज से थोड़ी डिस्टेंस पे क्यों होते हैं, ठीक वो उसके नज़दीक क्यों नहीं होते। तो इसके लिए ये देखें, ये जो टी है इट इज़ नॉट टी एक्चुअली, ठीक है। ये आप टॉर्क का वो जो अलमदा की तरह का सिंबल होता है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ टा इज इक्वल टू टी क्रॉस एफ। कहता है कि जब हमारे पास इन अबव इक्वेशन d इज द मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज ऑफ अ डोर टू द हैंडल। d क्या है बच्चों, मोमेंट आर्म है, f इज द फोर्स एंड दैट इज द टॉर्क। तो कहता है जब भी हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन से थोड़ा डिस्टेंस पे अप्लाई करते हैं। जितना हमारे पास मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारे पास इजियर होगा कि हम डोर को इजिली ओपन या क्लोज कर सकें। ग्रेटर द मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स इट इज इजियर टू ओपन द डोर। क्लियर बच्चू? नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है व्हाई इट इज बेटर टू यूज अ लॉन्ग स्पिनर रादर देन अ शॉर्ट वन टू लूजन अ रस्टी नट। कहता है स्पिनर वो जो आपके पास होता है ना, जिसके साथ आप नट्स वगैरह खोलते हैं, तो कहता है एक शॉर्ट, उसमें तीन साइजेस होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट एंड मीडियम। तो कहता है हमने एक जंग आलूदा सा नट है उसको ओपन करना है, तो उसके लिए हमारे पास हम लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट। तो ये भी अगेन हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉर्क। तो कहते हैं इट इज बेटर टू यूज अ लॉन्ग स्पिनर रादर देन अ शॉर्ट वन टू लूज अ रस्टी नॉट, बिकॉज़ रीजन आ गया एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हमने पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की वजह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्पिनर को यूज करते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, टा इज इक्वल टू डी क्रॉस एफ, डी इज द मोमेंट आर्म एंड एफ इज द फोर्स। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि जितना हमारे पास मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो इट इज इजियर टू लूज इन द नट। तो वही बात है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन पे की कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, ग्रेटर मोमेंट आर्म चाहिए, तो इसलिए हम लॉन्ग स्पैनर यूज करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि हमारे पास सैटेलाइट क्या होते हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स ऐसी बॉडीज होती हैं जो अर्थ के अराउंड मूव कर रही हैं। अब वो अर्थ के अराउंड क्यों मूव करती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे सेंट्रीपिटल फोर्स देती है एंड वो उसके ऑल अराउंड मूव करती है। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि डज द फोर्स एक्सर्टेड टॉर्क ऑन अ सैटेलाइट, कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उन बॉडीज पे टॉर्क भी अप्लाई करती है। तो वो कहता है कि हमारे पास ऐसा नहीं होता, फोर्स जो होती है वो टॉर्क अप्लाई नहीं कर रही होती। क्यों बच्चू? कहते हैं हमें पता है टा इज इक्वल टू डी क्रॉस एफ। अब डी क्रॉस एफ व्हाट इज दैट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चू? क्रॉस प्रोडक्ट। एक हमारे पास होता है जी क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब हमारे पास होता है तो हम डी एफ और साथ साइन थीटा आता है, ठीक। क्या आता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, जो इसका ऑपोजिट है, उसमें हम कॉस थीटा लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास है डी क्रॉस एफ इज द क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्रॉस को हटाएंगे तो ये होगा डी एफ साइन थीटा, ठीक। अब हमारे पास हमने ये देखना है थीटा क्या है, एंगल। एंगल बिटवीन व्हाट, हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स का एंगल। तो हमारे पास वो कहता है ये हमारे पास 180 की डिग्री से एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं, तो साइन 180 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। सो टा इज इक्वल टू जीरो न्यूटन मीटर। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट डज नॉट एक्सर्ट द टॉर्क ऑन अ सैटेलाइट। कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी टाइप का कोई भी टॉर्क एग्जर्ट नहीं कर रही होती सैटेलाइट पे, ठीक बच्चू। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाई इट इज मोर डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड, एक्सप्लेन। कि हमारे पास एक तो हम आगे की तरफ झुकते हैं ना, ये नहीं झुकने को, वो तो आसान है, लेकिन जब हम बैकवर्ड नीचे को झुकने की कोशिश करते हैं वी कांट, इट्स सो डिफिकल्ट, ठीक।
कितना ऐसा क्यों है कितना इट इज मोर डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब ड्यू टू वेट एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट बिकम डिफिकल्ट ऑफ बॉडी टू रिमेन इक्विलिब्रियम ही जब हम बैकवर्ड मूव करते हैं लीन डाउन करते हैं तो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब डिस्टर्ब होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो हम क्या हो जाएगा गिर जाएंगे कंप्लीन में कहता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इट इज मोर डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड कि हमारे पास मेन रीजन क्या है कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है इट इज सो डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज वेयरिंग द हाई हील शूज समटाइम्स कॉज द लोअर बैक पेन कि जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो हमारी लोअर बैक पेन कमर में दर्द होता है क्यों ऐसे होता है तो कहता है कि हाई हील्स पहनने से हमारी कमर में इसलिए दर्द होता है क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारा पहले हमारे पास क्या होता है एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर टू द ग्राउंड होता है लेकिन जैसे ही हम हील्स पहनते हैं तो वो ग्राउंड से हाई पे आ जाता है तो हमारी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है जब हमारी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है तो फिर हमें एज अ रिजल्ट लोअर बैक पेन फील होती है ड्यू टू द हील्स क्लियर क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कैन अ स्मॉल फोर्स एक्सर्ट अ ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्ज फोर्स कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करें और लार्ज टॉर्क प्रोड्यूस हो क्या ऐसा पॉसिबल है तो कहता है नो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएं और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो हाउ फिर इस बात को प्रूव करता है मैथमेटिकली कहता है स्मॉल फोर्स नेवर एक्सर्ट अ ग्रेटर टॉर्क देन अ लार्ज फोर्स बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स मींस ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड स्मॉलर द अप्लाइड फोर्स एंड स्मॉलर विल बी द टॉर्क ठीक अब क्या है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ D की जगह यहाँ पे हमने R ले लिया इट डजंट मैटर ठीक है D भी हमारे पास मोमेंट आर्म के लिए यूज होता है और R भी हम मोमेंट आर्म के लिए यूज कर सकते हैं ठीक यहाँ पे आप D भी लिख सकते हो तो टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R एंड टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F अब क्या कहता है फ्रॉम द मींस फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन इंक्रीजेस द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस द टॉर्क एंड डिक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स डिक्रीजेस द टॉर्क ठीक है बच्चों अगर हम अप्लाइड फोर्स को ज्यादा करेंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा लेकिन अगर हम अप्लाइड फोर्स को ज्यादा नहीं करते तो हमारे पास टॉर्क कम ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 है कैन अ सिंगल फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी चेंजेस बोथ इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एक्सप्लेन कि अगर हम एक सिंगल फोर्स लगाते हैं बॉडी पे ठीक तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि उस फोर्स की वजह से बॉडी में ट्रांसलेशनरी मोशन भी हो और रोटेटरी मोशन भी हो तो कहते हैं नो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम बॉडी पे एक सिंगल फोर्स लगाएं और वो वहाँ पे डबल डबल काम करे ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और रोटेटरी मोशन भी करे कहते हैं बिकॉज वी नो दैट अ सिंगल फोर्स टेंड टू कॉज अ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन ऑन डिपेंडिंग डायरेक्शन and position of a body applied with respect to the center of gravity कि हमारे पास किसी भी body को motion करने के लिए क्या होता है हम उसके center of gravity को change करते हैं ना तो जब हम center of gravity को change कर रहे होते हैं तो हम जो force apply करते हैं वो उसकी position और direction दोनों को change करना होता है तो एक single force ये दोनों काम नहीं कर सकती ठीक It is concluded that a single force tends to cause either translation or rotational motion. कि एक single force जो है वो या तो translational motion कराएगा या फिर rotational motion कराएगा. Clear है बच्चू? Question number 8 है बच्चू. Why do tight rope walkers carry a long narrow road? Rope हो गया यहाँ पे ठीक? मैं चेक कर लेती हूँ बुक में जी स्टूडेंट इट इज रॉड तो कहता है हमारे पास ये जो होते हैं ना टाइट वो जो पतली पतली रस्सियों पे चलने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं टाइट रोप वॉकर्स की वो उन पे चलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक लंबा सा रॉड होता है जिसमें उनके हाथ हिला के पकड़ा हुआ होता है तो कहता है ऐसा क्यों होता है तो कहते हैं कि स्टे बैलेंस द एक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर काउंटर टॉर्क क्योंकि हमारे पास अर्थ डेंसिटी होती है और उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है उन्होंने क्या करना होता है अपने टॉर्क को बैलेंस करना होता है क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए करना होता है टू बैलेंस दैट वो क्या करते हैं अपने मैग्नीट्यूड को ज्यादा करते हैं अपने मैग्नीट्यूड को कैसे ज्यादा करते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम हाथ को
अपने बाजू को फैलाया होता है और बाजू को फैलाने के लिए उन्होंने हाथ में रॉड लिया होता है। तो उस रॉड की मदद से क्या होता है कि उनका जो टॉर्क होता है वो एक सिग्निफिकेंट टॉर्क उन्हें दे रहा होता है, एक उन्हें फिर गिरने का इतना डर नहीं होता क्योंकि उनका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जो अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ एक्सप्लेन। हमने ये फर्स्ट टॉपिक था आपकी बुक का, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक, उसका एक्स एक्सिस पार्ट एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो उसके होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स का हॉरिजॉन्टल वेक्टर और जो उसका वर्टिकल होता है उसमें डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कहता है हमारे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज है, फॉर एग्जांपल एक स्टिक लेते हैं, स्टिक को हम डिवाइड करके दो पार्ट्स बनाते हैं, तो क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि वो जो स्टिक हमने तोड़ी है वो जब हमने तोड़ दी है तो उसके बाद जब हम उसे देखें तो वो जो पहले पूरी वाली स्टिक थी उससे बड़ी हो? नहीं पॉसिबल ना। सेम इज द केस हियर कि हम जब एक वेक्टर को तोड़ते हैं दो हिस्सों में, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो जो है उसका सम लें या वो हमारे पास किसी भी तरह से ओरिजिनल वेक्टर से ग्रेटर हो। तो कैसे यहाँ पे बात एक्सप्लेन किया हुआ है, नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब हमने ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या था कि हमारे पास एक वेक्टर को तोड़ते हैं उसके पार्ट्स में, सो द वेक्टर द फोर्स वेक्टर सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स, और उसके बाद जो उसके पार्ट्स आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। हाउएवर इफ दिस कंपोनेंट इन व्हिच अ फोर्स वेक्टर इज स्प्लिट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर देन सच अ कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब कहता है कि वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स जो x के अलोंग होता है उसके साथ बच्चों क्या लिखते हैं, cos theta, और जो fy होता है उसके अलोंग sin theta। So this is a reason that the fourth vector split into rectangular components the sum of these component vectors। तो कहता है कि हमारे पास क्या है, ये जो fourth vector होते हैं ना जब हम इसे तोड़ते हैं, rectangular component जो होते हैं वो sum होता है original vector का। Conclusion, rectangular component is equal to the fourth vector because फोर्स वेक्टर इज बिल्ट इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, के हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये ओरिजिनल को तोड़ के हमने उसके पीसेस बनाए होते हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि पीसेस ओरिजिनल से बड़े हो जाएं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 उसमें पूछा जा रहा है, कैन इट पॉसिबल, कैन वी हैव अ सिचुएशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इवन दो द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या थी बच्चों, दो कंडीशंस, एक थी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क। तो हमने कहा था कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो अभी वो आपसे ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपका सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो के इक्वल नहीं होता तो वहां पे आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इक्विलिब्रियम की। तो वो यहाँ पे बताता है दैट देयर आर टू कंडीशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो कहता है स्टीयरिंग ऑफ व्हील ऑफ अ कार एंड पेडल्स ऑफ बाइसाइकिल, इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हमारे पास फोर्स तो जीरो होती है लेकिन टॉर्क हमारे पास जीरो नहीं होता। ठीक है, जब हमारे पास ऐसा होगा कि फोर्स जीरो होगी टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो दैट इज द केस जिसमें हमने हमारे पास क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं हो सकती। आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द टू फोर्सेस प्रोड्यूसेस द सेम टॉर्क, डज इट फॉलो दैट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ अ ब्रेक एंड आफ्टर यू सडनली लेट गो डाउन द रोप, कि हमारे पास क्या हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस सेम टॉर्क प्रोड्यूस करें एंड दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो कहता है इफ टू फोर्सेस प्रोड्यूस द सेम टॉर्क, अगर वो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करती है डज नॉट फॉलो दैट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। क्यों? कहता है हमारे पास जो टॉर्क होता है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड दीस आर अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंटम। किस पे डिपेंड कर रहा है?
मैग्नीट्यूड सेम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमारे पास ये जो टॉर्क है डिपेंड करता है दो चीजों पर, ठीक, एक है अप्लाइड फोर्स एंड दूसरा है मोमेंटम। तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो तब हमारे पास सेम आंसर आए टॉर्क का। हम इनकी वैल्यूज को डिफरेंट रख के भी अल्टी एंड अपना आंसर टॉर्क दोनों टॉर्क का सेम लेके आ सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। देखें बच्चों, कैसे हमने केस वन में फोर्स ले ली 6 न्यूटन और केस टू में ले ली 4 न्यूटन, ठीक। इसी तरह हमने मोमेंट आर्म इसमें ले लिया 2 मीटर एंड इधर ले लिया 3 मीटर। सो यहाँ पे 6 × 2 12 न्यूटन मीटर और यहाँ पे 4 × 3 12 न्यूटन मीटर। मीन्स दैट कि दोनों में हमारे पास फोर्स एंड मैग्नीट्यूड मोमेंट आर्म दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है, ऐसा ही है ना। तो वो कहता है हमारे पास बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि टॉर्क के आंसर के लिए एट द एंड हम जो टॉर्क गेन करते हैं सेम टॉर्क के लिए दो डिफरेंट बॉडीज की सेम वैल्यूज हो, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो इसका पार्ट था जो क्वेश्चन में पूछ रहे थे, दैट डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अ ब्रेक आफ्टर यू सडनली लेट गो ऑफ अ रूप, कि आप के पास एक रस्सी है और उसमें आप इसे घुमा रहे हो तो आपने ये बताना है कि उसमें आगे ईंट लगी हुई है तो वो जब सडनली आप उसे अलाउ करोगे छोड़ोगे तो वो कौन सा वेव फॉलो करेगी, वो कहाँ पे जाएगी। तो वो कहता है इट द ब्रेक विल गो इन अ लॉन्ग टेंजेंट टू द सर्कल, कि वो सीधी लाइन में आगे जाएगी। जैसे ही आप उसे फेंकोगे ना वो सीधा एक टेंजेंट टू द सर्कल सीधी लाइन में आगे जाना है, ठीक बच्चों, क्लियर है। थैंक यू।